नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर पढ़ते हैं आप अपने सभी पाठ कला संगीत शिक्षा और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए वीडियोज देखते हैं। तो आज लेकर आए एक प्यारी सी बच्ची के द्वारा प्रतिशत को इतने प्यार से इतने अच्छे से समझाया गया कि आप कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश। आज मैं आपको सिखाना चाहूंगी परसेंट। तो ये बहुत ही इजी है। और जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान है, उनकी आदत ही ऐसी होती है, वो तुरंत पूछने लगते हैं कि बेटा एग्जाम में कितने नंबर आए। हम लोग बोलते हैं 500 में 300 या 400। तो फिर बोलते हैं कि वो परसेंट कितने आए, परसेंट कितने हुए। तो हम लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर हम लोगों का मुंह लटक जाता है, मम्मी पापा का भी मुंह लटक जाता है। तो फ्रेंड्स, परसेंट मतलब होता क्या है, यानी कि 100 में कितने परसेंट। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, परसेंट मतलब 100 में कितने। तो मान लीजिए आपको भाई मिले 500 में 300, तो 100 में कितने परसेंट। तो हम यहाँ पर पहले अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि परसेंट मतलब 100 में कितने। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 100, ठीक। तो 500 हमारे पास रुपीस थे, 100 बट गए 5 लोगों में। तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे ऐसे। फिर ऐसा हो कि 300 5 लोगों में बढ़ जाए, कितने कितने बटेंगे, 20-20 नहीं, 30-30 नहीं, 50-50 नहीं, 60-60 हाँ हो सकता है 60-60। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 5 बार 60-60 60 60 60 60 60। तो ये हमारा लग रहा है 300। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे 60। ये हमारा हो गया 60 100 में 60%। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि 500 में हमें 300 मिले, तो 100 में हमें कितने मिले, 60। तो मान लीजिए, देखिए 500 में आपको 300 मिले, तो कितने मार्क्स हुए हमारे, 60% मार्क्स हुए। तो मान लीजिए कि आपको 50 में 20 मिले, तो मैं यहाँ पर ग्रीन बोर्ड पर लिख रही हूँ कि 50 में 20 मिले, तो 100 में कितने मिले। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, परसेंट मतलब 100 में कितने, परसेंट मतलब 100 में कितने। तो यहाँ पर हम 100 लिख रहे हैं, तो 100 के पहाड़े में तो 50 आते नहीं, 50 के पहाड़े में आता है 100, 51 या 50, 52 या 100। तो हमें 2 बार पढ़ा, यहाँ लिख देंगे। अब 20 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 21 या 20, 22 या 40। तो यहाँ पर हम डैश लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 40। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 40%। तो अब मान लीजिए आपको 10 में 7 मिले, तो मैं यहाँ फिर से ग्रीन बोर्ड पे लिख रही हूँ 10 में 7 मिले, 10 में 7। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि परसेंट मतलब होता है 100 में कितने, परसेंट मतलब होता है
तो यहाँ पर फिर से टेन लिख देंगे और सेवन का पहाड़ा भी आपको टेन बार ही पढ़ना पड़ेगा, तो सेवन टेन जा सेवेंटी, तो यहाँ पर सेवेंटी लिख देंगे और हमारा 50% हो जाएगा 70%।